इंसानी दिल का डिजिटल जुड़वां भाई। इस तकनीक की मदद से बिना ऑपरेशन किए कई तरह के इलाज के असर की जांच की जा सकती है। बच्चों के दिल की सर्जरी बेहद जोखिम भरी मानी जाती है। बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन डिजिटल ट्विंस की मदद से हर बच्चे के लिए खास इलाज को विकसित करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें सबसे आगे हैं डॉक्टर स्टीव लवीन। उन्होंने मानव हृदय का पहला डिजिटल जुड़वा बनाया है। बच्चों के वर्चुअल जुड़वा बनाए जा रहे हैं। कुछ तो नवजात शिशु जितने छोटे हैं। पहले इन वर्चुअल जुड़वाओं पर सर्जरी की जाती है, फिर तय होता है कि क्या ठीक है क्या नहीं, और फिर इसे असल बच्चे पर किया जाता है। और कई मामलों में बच्चों की जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही मौका होता है, और नतीजे शानदार रहे हैं। डॉक्टर स्टीव लवीन ने करीब 10 साल पहले लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के लिए शोध शुरू किया। वजह बहुत ही व्यक्तिगत थी। उनकी बेटी जेसी को दिल की एक असामान्य बीमारी थी, और बचपन में उसके कई ऑपरेशन हुए, जिनमें से कुछ सफल रहे कुछ नहीं। अब इस नए रिसर्च से उन्हें फायदा हो रहा है, क्योंकि अब पेसमेकर की सबसे सटीक सेटिंग्स की जांच पहले से वर्चुअल रियलिटी के जरिए की जा सकती है। वे असली पेसमेकर डाल सकते हैं जो उसकी हालत को दिखा सके। उसके असली दिल जैसे हजारों दिल बनाकर अलग अलग पेसिंग सीक्वेंस को आजमा कर पेसमेकर के सबसे सही सीक्वेंस का फैसला लिया जा सकता है, बजाय इसके कि सीधे उस पर प्रयोग किया जाए। जांच में निकले नतीजों को दिल के दूसरे मरीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि विशेष अंगों के लिए वर्चुअल थेरेपी टेस्ट की ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में हर किसी के पास एक डिजिटल ट्विन और एक व्यक्तिगत हेल्थ प्लान भी होगा। मुझे लगता है कि जन्म के वक्त एक वर्चुअल ट्विन मिला करेगा जो किसी आम इंसानी शिशु जैसा होगा। जल्द ही उसमें आपके बारे में सारी जानकारियां डाल दी जाएंगी। फिर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी और ज्यादा परीक्षण होंगे, उनके हिसाब से वो भी ढाला जाएगा। प्रयोग सफल रहा है। इसे अपनाने के बाद से दिल के ऑपरेशन की नौबत कम आती है।